नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। वाहनों के टायर फटने से भारत में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मौत। ज्ञान विज्ञान बताएगा क्यों फटते हैं टायर और किन उपायों पर अमल करके ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। 2017 में रसायन विज्ञान का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। रासायनिक बंधनों की समझ विकसित करने में योगदान के लिए डॉक्टर नरेश पटवारी गणपति को। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरविषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कपास के अवशेषों को जैविक इथेनॉल में बदलने की विधि विकसित की। पुस्तक समीक्षा खंड में ज्ञानवर्धक पुस्तक लाइफ इन द हिमालया एन इकोसिस्टम एट रिस्क के लेखक प्रोफेसर महाराज के पंडित के साथ चर्चा। सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। भारत में सड़क हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजहों में एक राजमार्गों पर वाहनों का टायर फटना बताया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में टायर फटने से देश भर में 3031 लोगों की मृत्यु हुई और 9081 लोग घायल हुए। आखिर वाहनों के टायर फटने के क्या कारण है? क्यों नोएडा तथा आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर देश में सर्वाधिक टायर फटने के हादसे होते हैं? ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट में देखिए इन प्रश्नों के उत्तर के साथ टायर फटने से बचने के उपाय। टायर फटने के अधिकतर मामलों में बेकाबू वाहन के कारण होने वाले गंभीर हादसे शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2014 में टायर फटने के कुल 9748 हादसे हुए, जिनमें 3031 लोगों की मौत हुई और 9081 लोग घायल हुए। आपको ये सोचकर अचरज होता होगा कि आखिर टायर क्यों फटते हैं। दरअसल इसके कई कारण हैं। किसी टायर की जिंदगी खत्म होने के बाद समय पर टायर न बदला जाए और पुराने टायर का उपयोग होता रहे तो उनके फटने की आशंका रहती है। इसके अलावा सेकेंड हैंड टायर का प्रयोग, टायरों का तकनीकी मानकों के अनुरूप न होना, उच्च तापमान, तेज गति से गाड़ी चलाना, टायर में आवश्यकता से अधिक या कम वायु दाब होना और सड़क विभाजक या गड्ढों में टायर के धंसने से भी टायर फट जाते हैं। इफ द टायर इज कम्प्लीटली वोर्न आउट और इफ द इन्फ्लेशन प्रेशर इज लो, सो व्हेन यू आर रनिंग एट हाई स्पीड हीट बिल्ड्स अप एंड देयर इज सडन इंपैक्ट, देन द मटेरियल व्हिच इज इनसाइड स्टील वायर, स्टील बेल्ट, बॉडी मटेरियल, पॉलिएस्टर और नायलॉन, that breaks or separates and then the tire bursts because of pressure. आमतौर पर आवश्यकता से अधिक भार होने या टक्कर लगने के कारण टायर फटते हैं। अगर कांटे जैसी कोई तेज धार वाली वस्तु टायर में छेद कर उसे पंचर कर दे तो उससे धीरे धीरे हवा निकलती है। इसके अलावा टायर की सीमा से अधिक रफ्तार उसके फटने की प्रमुख वजहों में से एक होती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिकतर हादसों में भी यही वजह है, जहां 85% सड़क कंक्रीट तथा सीमेंट के बने हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में 2016 में हुए 1193 हादसों में 128 लोगों की जान गई। ऐसी सतह पर तेज रफ्तार से घर्षण के कारण टायर के भीतर नायलॉन के धागे गर्म हो जाते हैं। टायर को गर्म होने से बचाने के लिए उनमें हवा का उचित दाब होना आवश्यक है। टायर का वायु दाब पौंड प्रति वर्ग इंच या PSI में मापा जाता है, जिसकी गणना टायर में डाली गई हवा की मात्रा से की जाती है। टायर में उचित वायु दाब न सिर्फ उसकी जिंदगी बढ़ाता है बल्कि वाहन भी सुरक्षित रहता है तथा ईंधन का कम इस्तेमाल होता है। आमतौर पर टायर के प्रकार के मुताबिक उनमें मानक वायु दाब 30 से 35 PSI के बीच होता है। गर्मियों में टायर फटने के हादसों में वृद्धि होती है। इस दौरान वातावरण का तापमान बढ़ने से टायर के भीतर हवा भी गर्म हो जाती है, जिससे टायर के भीतर वायु दाब बढ़ जाता है। हवा निकलने का कोई रास्ता ना होने पर टायर फैलते हैं और अंत में फट जाते हैं। लिहाजा गर्मियों में टायर में सामान्य से थोड़ी कम हवा रखनी चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह है कि टायरों में सामान्य हवा की बजाय नाइट्रोजन भरना चाहिए।
इससे वाहनों का संतुलन बना रहता है तथा तेज रफ्तार में भी टायर के भीतर का तापमान संतुलित रहता है। टायर की निश्चित सीमा से अधिक रफ्तार से वाहन चलाने पर भी वो फट सकते हैं। इन्फ्लेशन प्रेशर, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर टायर प्रेशर इज एज रिकमेंडेड बाय द टायर कंपनी बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ बैड अलाइनमेंट और एनी रीजंस द टायर वेयर्स ऑफ फ्रॉम वन साइड एंड वन साइड इट इज ओके। इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट दैट चेक। टायर के खांचे जब निश्चित निशान तक पहुंच जाएं तो उन्हें बदलने की अनुशंसा की जाती है। इस निशान तक पहुंचने के बाद सड़क पर टायर की पकड़ तथा पानी दूर करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में टायर को बदल डालें। व्यस्त सड़क पर टायर का फटना खतरनाक हो सकता है। वाहन चलाते वक्त अगर टायर फट जाए तो एक्सीलरेटर दबाए रखें, जिससे टायर फटने के कारण होने वाले खिंचाव को कम किया जा सके। इससे गाड़ी का संतुलन बना रहेगा। स्टीयरिंग को काबू में रखकर गाड़ी को उसकी लेन में लेकर आए। वाहन काबू में आने के बाद उसकी गति धीरे धीरे कम करें और उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दें। वाहन चलाते हुए थोड़ी सी सतर्कता टायर के फटने से होने वाले हादसों से छुटकारा दिला सकती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के विविध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे के डॉक्टर नरेश पटवारी गणपति को पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर नरेश पटवारी गणपति को रासायनिक बंधनों की प्रकृति समझने में शोध के लिए पुरस्कार दिया गया है, जो भविष्य में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए नए पदार्थ विकसित करने में मददगार होगा। हाइड्रोजन एक प्रदूषण रहित तथा उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन है, लेकिन उसे संरक्षित रखने की चुनौती अब तक बनी हुई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। रसायन विज्ञान के लिए इस वर्ष का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के डॉक्टर नरेश पटवारी गणपति को दिया गया है। डॉक्टर नरेश को हाइड्रोजन अणुओं के रासायनिक बंधनों की प्रकृति पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया है। हाइड्रोजन को अंग्रेजी के H अक्षर से दर्शाया जाता है, जो पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। प्रकृति में हाइड्रोजन के अणु अकेले नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे के साथ जुड़कर डाई हाइड्रोजन अणु बनाता है, जिसका निशान H2 है। दिलचस्प बात है कि एक डाई हाइड्रोजन दूसरे डाई हाइड्रोजन तथा अन्य यौगिक के साथ भी पारस्परिक संबंध बनाता है। रसायन विज्ञान में ऐसी पारस्परिक क्रिया पेचीदगी भरी होती है, जिन्हें समझना कठिन है। डॉक्टर नरेश ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा इस समस्या के समाधान के लिए शोध करना प्रारंभ किया। I'm very delighted to receive this Shanti Swarup Bhatnagar Award for Chemical Sciences this year. It's very exciting and the excitement is more because I wasn't expecting in first place. All I feel is that all the hard work that I have put in these years has been recognized by the science community in this country, and I feel good about it. And I'm also grateful that my peers have recognized the work that I have carried out. डॉक्टर नरेश ने मुंबई के प्रतिष्ठित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद शोध के लिए वो जापान के तोहोकू यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी गए। पिछले 2 दशकों से उनका शोध कार्य चल रहा है और इस दौरान उनके 20 से अधिक शोध प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने रसायन विज्ञान में स्केलिंग लॉ फॉर डाई हाइड्रोजन नामक सिद्धांत विकसित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार डाई हाइड्रोजन अणुओं के बीच पारस्परिक संबंध हाइड्रोजन के समान लेकिन उनसे 16% कम है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने साबित किया कि किस प्रकार डाई हाइड्रोजन अन्य अणुओं से हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिलीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिटामाइड तथा एसिटिक एसिड के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। इस जानकारी के पश्चात अब स्केलिंग सिद्धांत का उपयोग नए यौगिक के साथ हाइड्रोजन का पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। ये भविष्य में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को सुरक्षित रखने के लिए पदार्थों के विकास में मददगार साबित हो सकता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, इससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और विषैले प्रदूषण के बजाय सिर्फ पानी निकलता है।
एक किलोग्राम हाइड्रोजन करीब 142 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो पेट्रोल या डीजल की तुलना में 3 गुना है। लेकिन हाइड्रोजन ईंधन की सीमाएं हैं। जमा करने तथा परिवहन के लिए इसे 200 बार दबाव में स्टील के बर्तनों में रखा जाता है, लेकिन परिवहन के दौरान थोड़ी सी भी चूक से गंभीर हादसे हो सकते हैं। इसके उत्पादन की प्रक्रिया भी महंगी है, लिहाजा वैज्ञानिक सस्ते तथा हाइड्रोजन रखने के लिए रिसाव रहित सामग्रियों की तलाश के लिए शोध कर रहे हैं। इसके लिए हाइड्रोजन अणुओं के आपस में तथा दूसरे अणुओं के साथ पारस्परिक संबंध को जानना आवश्यक है। डॉक्टर नरेश तथा उनकी टीम का शोध भविष्य में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में विकसित करने की दिशा में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे किस प्रकार वैज्ञानिकों ने कपास के अवशेषों से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत विकसित किया है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मीडिया मंथन में आप सबका स्वागत है। संसद के दो आपकी उसको लेकर सरकार समझती है कि हमारा काम तो मालिकों से चल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी कंपल्शन है, इसलिए उनको संसदीय कवरेज किस मर्यादा में करनी है, कैसे करनी है, उसका ना उनको कोई सरोकार ही नहीं। लोग देखते हैं इसलिए दिखाते हैं, तो फिर हम पोर्नोग्राफर क्यों ना हो जाएं? नए चैनल्स आते हैं वो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं जो शायद एस्टैब्लिश चैनल्स ना दिखाते। क्या ये पत्रकारों की आज़ादी की बात हो रही है? जब हम इंडस्ट्री बन गए हैं और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान हैं, दोनों के बीच कोई एक ऐसा पुल अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा समझदार पत्रकारिता कहीं नहीं हो सकती। हमें भाषा के स्तर पर हिंसा के सवाल को देखना होगा। तो निश्चित रूप से एक अथॉरिटी की जरूरत है जो ये इसको सबको समेटे। मालिकों को, पत्रकारों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता विपक्ष की ही होती है। सोशल मीडिया को अपनी तरह से गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान एक ऐसा विषय है जिसपे मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। दो हजार 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन में भारत ने 2022 तक नवीनीकृत संसाधनों से 40% ऊर्जा उत्पादन करने पर प्रतिबद्धता जाहिर की थी। अब केरल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरविषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शोध किया है। उन्होंने कपास के अवशेषों से जैविक इथेनॉल प्राप्त करने की विधि विकसित की है जो प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। पेश है तिरुवनंतपुरम से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में पाइन कोन, नारियल का भूसा, गेहूं तथा चावल के डंठल जैसे कई अवशेष बेकार समझे जाते हैं। क्या ये संभव है कि हम उन बेकार अवशेषों को उपयोगी ईंधन के रूप में परिवर्तित कर सके, जिनसे वाहन चलाए जा सके, विद्युत उत्पन्न हो सके या पानी का पंप चला सके? 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र वायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को 40% तक बढ़ाने की बात कही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केरल के वैज्ञानिकों ने कपास के अवशेषों को बिना प्रदूषण फैलाए ईंधन के रूप में प्रयोग की विधि विकसित की है। अब तक कपास की खेती के बाद उसके डंठल जानवरों को खिलाने या ग्रामीण घरों में चूल्हे के ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं। भारत में करीब 1,80,00,000 मेट्रिक टन कपास के डंठल उत्पन्न होते हैं, जिनमें करीब 1,10,00,000 मेट्रिक टन डंठल का इस्तेमाल नहीं होता। इस अवशेष का प्रयोग जैविक इथेनॉल नामक साफ सुथरे ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है, लेकिन इस अवशेष को बायो इथेनॉल में बदलने की कोई मानक विधि नहीं है। अब तिरुवनंतपुरम स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कपास के डंठलों से उच्च गुणवत्ता वाले तथा प्रदूषण रहित ईंधन उत्पादन की विधि विकसित की है, जिसका प्रयोग पेट्रोल या डीजल में मिलाने के अलावा साफ सुथरी ऊर्जा के रूप में भी किया जा सकता है। Ethanol is a renewable and sustainable resource compared to the fossil fuel or gasoline. So the challenge here, what we are trying to do is to have this ethanol. And the importance of ethanol is importance of ethanol also because it is a environmentally benign fuel. It has clean burning
and it has more of your octane rating, so that it becomes a more high efficiency fuel. And the other advantages is, again, it can generate a lot of rural employment, and farmers can have income from growing plants for bioethanol. Either it is comes as an agriculture byproduct or as a dedicated energy crop if you are growing the plants. This becomes a source of direct or indirect income for the farmers. We have several resources like rice straw, wheat straw is there, bagasse, sugarcane trash. And cotton stock is another important residue which we wanted to explore. And we have been working towards developing a process for converting cotton stock to ethanol. वैज्ञानिक ने चार चरणों में कपास के डंठलों से जैविक इथेनॉल प्राप्त करने की विधि विकसित की है। पहले चरण में कपास के डंठलों को बारीक पीसा जाता है। दूसरे चरण में इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड में 120 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक संश्लेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया से तीसरे चरण में प्रयोग के लिए कपास के अवशेष कोमल तथा संवेदनशील हो जाते हैं। तीसरे चरण में सेल्यूलोज तथा बीटा ग्लूकोसाइडेज नामक एंजाइम के साथ मिलाकर इसे संश्लेषित किया जाता है। कपास के पौधे सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज से बने होते हैं। उनकी आणविक संरचना शक्कर की रासायनिक संरचना से मिलती जुलती है। एंजाइम के साथ संश्लेषण पॉलीमर की लंबी श्रृंखला को शक्कर के एकल अणुओं में तोड़ देती है। अंतिम चरण में इस मिश्रण में यीस्ट मिलाकर करीब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 48 घंटों तक किण्वीकरण किया जाता है। उत्पन्न जैविक इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल के साथ मिलाया जा सकता है। पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म कण तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरी ओर जैविक इथेनॉल के जलने से ये विषैले गैस पैदा नहीं होते, बल्कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी निकलता है। कपास के अवशेषों के जैविक इथेनॉल में परिवर्तन से अवशेषों का जल्द निष्पादन होता है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। शोध के नतीजे एल्सेवियर बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पत्रिका के अंक 242 साल 2017 में प्रकाशित हुए हैं। इस शोध को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नई दिल्ली के प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद फैक ने प्रायोजित किया है। प्रोफेसर महाराज के पंडित दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के डीन एवं सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज ऑफ माउंटेन एंड हिली एनवायरनमेंट के निदेशक हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित अपनी पुस्तक लाइफ इन द हिमालय एंड इकोसिस्टम एट रिस्क में दुनिया की सर्वाधिक पारिस्थितिकी समेटे दुनिया की नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय का दिलचस्प वर्णन किया है। एक नजर डालते हैं प्रोफेसर पंडित के दिलचस्प लेखन पर, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रैडक्लिफ छात्रवृत्ति पाकर लिखी गई है। सदियों से हिमालय का दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये उनके साहित्य, परंपराओं, संस्कृति तथा धर्मों को प्रतिबिंबित करता रहा है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक यानी पाक अधिकृत कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में दक्षिण पूर्वी तिब्बत के नमचा बरवा तक करीब 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। लाइफ इन हिमालय एंड इकोसिस्टम एट रिस्क पुस्तक इस पर्वत श्रृंखला के साये में अतीत से लेकर भविष्य तक भौगोलिक तथा जीव विज्ञानी व्यवस्था की व्याख्या करती है। प्रोफेसर महाराज पंडित ने अपनी पुस्तक में हिमालय के इतिहास को चार चरणों में बांटा है। पहले चरण में पर्वत श्रृंखला तथा इसकी पारिस्थितिकी के निर्माण का वर्णन है। दूसरे चरण में प्रकृति में मानवीकृत परिवर्तन, घुमक्कड़ जिंदगी से ग्रामीण सभ्यता का विकास, वाणिज्यिक कार्यों के लिए वनों का कटाव तथा दोहन शामिल है। तीसरे अथवा यांत्रिक चरण में सड़क, बांध तथा अन्य ढांचागत विकास से जुड़े निर्माण कार्यों का उल्लेख है, जिनके कारण पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है और सजीवों की कई प्रजातियां विलुप्त प्राय हो गई हैं। चौथे चरण में लेखक ने भविष्य की योजनाओं की परिकल्पना की है, जो दीर्घकालीन जिंदगी के लिए सहायक होंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए स्वयं प्रोफेसर महाराज पंडित उपस्थित हैं, जो अपनी पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के संदर्भ में इस किताब का क्या महत्व है? मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक किताब में पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड अकाउंट जो है हिमालय का, हिमालय जो है कैसे आए, उसके बाद उन पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे आई, इकोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे बने,
और उनका आपस में समावेश कैसे हुआ, और उसके बाद जब आदमी वहाँ पहुँचा तो कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ हिमालय का, हिमालय और उनके साथ साथ का। तो इसलिए जो है इस किताब का महत्व है कि वहाँ के चाहे स्टूडेंट हो चाहे रिसर्चर्स हो, उनको पता लगे कि वो बेस क्या है उस हिमालय का, जिस पे जैसे वो आया है, तो उसका नेचर क्या हुआ है इस पिछले मान लीजिए 4.5-5 करोड़ साल में। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिमालय हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और इसके संरक्षण की ज़रूरत क्यों है? वैश्विक परिप्रेक्ष्य तो ये है कि हिमालय जो है जो पूरा जो विश्व का क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करता है, उसको जो है उसको रेगुलेट करता है। मॉनसून जो है वो हिमालय की वजह से है, अगर हिमालय नहीं होते तो मॉनसून नहीं होते, तो इसलिए भी है। फिर दूसरा जो है ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो दूसरा कारण वो भी है। आज की तारीख में दोनों इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो साउथ एशिया की है वो निर्भर है इस बात पर कि हिमालय में क्या होता है। तो हमारे लिए तो दूसरा सबसे ज़्यादा तो पहरेदार भी हमारा है। भविष्य में हिमालय की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैंने इस पुस्तक में जो है इसका एक अलग से एक चैप्टर में वर्णन किया है। कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड डेवलपमेंटल प्लानिंग, जो भी डेवलपमेंटल प्लान हमारे बने तो उनको हम कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने आदमी या आदमी के कितने काम को वो उठा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे उतनी ज़्यादा कारें जाएंगी, उतनी ज़्यादा बसें जाएंगी, तो इतनी अंदर तक जाती हैं तो ग्लेशियर के नज़दीक जो है काफ़ी सारा तो उसका ब्लैक कार्बन करके उस पर जम जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो हैं वो जल्दी पिघल जाते हैं। उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, और वैसे ही प्रोग्राम बनाएं, वैसे ही प्लान करें, अगर वो करेंगे तो हिमालय का संरक्षण आसान होगा, और हिमालय के लोग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए भी जो है जीवन ठीक रहेगा, और जो नीचे एक 1.4 बिलियन लोग हैं उनके लिए भी जीवन ठीक रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। देखिए, लेखकों की दुनिया कोई बहुत आदर्श दुनिया नहीं होती है। मैं कई दफ़े लोग बच्चे मुझसे मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि साहब हम फलाने लेखक के पास गए थे, उसने ऐसा कहा। मैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लेखकों से मत मिलो, लेखकों से मिलने का कोई अर्थ नहीं है, उनकी सिर्फ रचनाएं पढ़ो, रचनाओं से उनका मूल्यांकन करो। लेखक जो है एक सामान्य आदमी है, वो उसके सारे जो समझ उसके जो व्यवहार है दैनंदिन, उसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बातें नहीं नज़र आएंगी आपको, पर वो अपनी कल्पना से अपने रचनात्मकता से जिस दुनिया की रचना करना चाहता है वो दुनिया अलग है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज बिष्ट, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 15 नवंबर को 2017 के लिए इंफोसिस पुरस्कारों की घोषणा की गई। इंफोसिस ने 6 क्षेत्रों में पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक संघमित्रा बंदोपाध्याय को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मानव विज्ञान क्षेत्र में किंग्स कॉलेज लंदन में अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर अनन्या जहां आरा कबीर को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि जीवन विज्ञान के लिए TIFR के बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उपेंद्र सिंह भल्ला को चुना गया है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में गणित विभाग के प्रोफेसर रीता व्रत मुंशी को गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि शिकागो यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर यमुना कृष्णन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए दिल्ली में अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कानून विभाग के प्रोफेसर लॉरेंस को पुरस्कार के लिए चुना गया है। नई दिल्ली के स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कॉम्प्लेक्स में 14 नवंबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से कृषि उपज और गुणवत्ता में सुधार या NCS TCP पर विचार विमर्श किया गया।
भारत सरकार ने सीड्स एक्ट 1966 के अंतर्गत NCSTCP की स्थापना की थी ताकि उच्च गुणवत्ता वाले टिश्यू कल्चर सामग्रियों का उत्पादन तथा वितरण किया जा सके। बैठक का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे टिश्यू कल्चर उद्योग, किसान तथा राज्य औद्यानिक मिशन निदेशकों के बीच विचार विमर्श करना था। ये हितधारक वर्तमान प्रमाणीकरण व्यवस्था के लिए राज्यों में टिश्यू कल्चर पौधों की पहचान सुनिश्चित करने के तौर तरीकों तथा उनके उपयोग के लिए आपसी सहयोग करेंगे। में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन तथा कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री SK पटनायक उपस्थित थे। साई कनेक्ट 2017 का आखिरी दौर गुवाहाटी में संपन्न हो गया। युवा छात्रों के लिए ये एक अनोखा विज्ञान क्विज कार्यक्रम था। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान प्रसार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 8वीं तथा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। इस साल प्रतियोगिता में 6000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक या पैलियोबॉटनिस्ट बीरबल सहनी को, जिनका जन्म 14 नवंबर 1891 को हुआ था। उन्हें भारतीय पैलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। बीरबल सहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध किया है। पौधों के जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान के विभिन्न विभागों पर आधारित थे। इसके अलावा उन्होंने धरती के तहों के विज्ञान यानी स्ट्रेटोग्राफी, पूरा जीवाश्म भूगोल यानी पैलियोजियोग्राफी तथा भूविज्ञान का भी अध्ययन किया। उन्होंने उत्पत्ति की प्रक्रिया तथा भौगोलिक वितरण को समझाने के लिए पौधों की जीवित प्रजातियों जैसे नेफ्रोटेप्सिस, निफोबोलस तथा टेक्सस पर शोध किया। इनके अलावा उन्होंने गोंडवाना लैंड में पाए जाने वाले विशेष पौधों के अवशेषों ग्लॉसोप्टेरिस पर भी विस्तार से काम किया, जिससे भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा चीन और सुमात्रा में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बीच अंतर स्पष्ट किया। सहनी ने डेक्कन के इंटरट्रैपियन बेड्स में पाई जाने वाले पौधों के अवशेषों का भी अध्ययन किया। उन्होंने पौधों के जीवाश्म से जुड़े दो विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य किया, पूरा जीवी फर्न का शरीर रचना विज्ञान तथा आकृति विज्ञान और गोंडवाना लैंड के भारतीय विभाग में पाए जाने वाले पौधों के जीवाश्म। 1936 में सहनी को लंदन के रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। बीरबल सहनी ने टंकन विज्ञान के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दिया तथा मिट्टी के सिक्कों के ढांचे की खोज की। बीरबल सहनी पुरावनस्पति के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किए जाते हैं और भारत में पुरावनस्पति वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।